नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राम महर मलिक जी, जो कि फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अधिकतर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और बात करते हैं संविधान बचाओ की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संविधान ख़त्म किया जा रहा है, जिस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि संविधान जिन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या क्या उम्मीदें लेके बनाया था, उनकी उम्मीदों को सब पानी में मिला दिया इन्होंने। और वर्तमान जो सरकार ये 5 साल पूरा करके गई है, इन्होंने तो संविधान का बिल्कुल क्लियर रास्ता कर रखा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर हमारा संविधान ख़त्म हो गया तो देश ख़त्म है, देश बचेगा नहीं, कुछ नहीं, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो कहते हैं कि संविधान बचाओ, वो उनकी बातें और नारे जो होते हैं वो तो उन्हीं के वो सही हैं, लेकिन सच्चे दिल से कोई भी पार्टी संविधान बचाने की तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है। आज आप देखिए विपक्ष खत्म हो गया हमारे देश में, ये एक सरकार जो बैठी है वो गलत तरीके से बैठी है, मगर वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहाँ गई वो अपोजिशन पार्टियाँ, किधर चले गए, जो अभी चुनाव के दौरान में कम से कम 11-12 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, अपनी अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे मैं बनूंगा या मैं बनूंगी, वो कहाँ चले गए आज? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं माना। और वो सारे के सारे ये मंजूर कर रहे हैं कि जनता ने उनको चुना है, हमें नहीं चुना है, हमें मंजूर है, जबकि जनता ने उनको नहीं चुना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ईवीएम मशीन ने उनको चुना है, इन्होंने ईवीएम का मिसयूज़ किया। और अगर ये चलता रहा तो संविधान देश का बर्बाद हो जाएगा। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि इस संविधान को बचाना है। अगर हमारा संविधान ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं है, ये लोग अपना आरएसएस का एजेंडा पूरा का पूरा लागू करने जा रहे हैं, पूरा संविधान ये इसको ख़त्म करके नया संविधान बनाएंगे, और इसके बाद कुछ भी देश में बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा। तो ये जो है, हमें संविधान को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि तुरंत देश की जनता खड़ी हो जाए इनके खिलाफ और इनको उखाड़ के फेंका जाए, और दूसरी संवैधानिक सरकार चुन करके, बैलेट पेपर के थ्रू चुन करके वहाँ बैठे और इस संविधान को बचाए। इसको बचाना बहुत जरूरी है, संविधान को अगर नहीं बचाया तो देश खत्म है, देश बचेगा नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।